अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। जैसे कि आज आप वीडियो के टाइटल में देख चुके हैं कि आज जो है ना मैं आपसे अपनी आने की वेडिंग की पिक्स और अपने गांव का जो है ना वो व्यू शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जिस भी बच्चे को देखें आप सबसे पहले माशाल्लाह ज़रूर कहें, क्योंकि नज़र वगैरह लग जाएगी तो सबसे पहले आप माशाल्लाह कह दें। और यहाँ पर आप सब जानते होंगे क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियोज़ में भी इसको डाल चुकी हूँ रूहान को, कि ये मेरा सबसे छोटा भाई है रूहान, और इसकी जो पिक्चर्स थी ना वो हमने बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से ली थी। मीन्स मामा ने 2-3 पिक्चर्स ली हैं पकड़ पकड़ के कि ये छोटा बच्चा है, और वेडिंग में जो है ना वो सबकी पिक्चर्स हों एक मेमोरी बन जाती है। और यहाँ पर वो वलीमे का था, और यहाँ पर जो है ना वो सारा बैकग्राउंड, और यहाँ पे मेहंदी का था, और ये जो है ना मेरा भाई है छोटा वाला, और यहाँ पर इसके साथ मामू की बेटी थी मिनाहिल जो यूके से आए हुए थे क्योंकि आनी की शादी थी। ऑफ कोर्स सब ने ही आना था, और अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे और मैं कराची में थी और मामा रावलपिंडी गई थी। शादी जो है ना वो रावलपिंडी में थी। और यहाँ पर गांव का आप व्यू चेक करें कि दूर दूर से जो है ना कितना अमेजिंग व्यू आ रहा है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ग्रीनली कितनी प्यारी लगती है ना, किस ग्रीनली नहीं अच्छी लगती, सबको ग्रीनली अच्छी लगती है, और यहाँ पर ग्रीनली बहुत अच्छी लग रही थी। और ये दूल्हे की कार थी जो इतनी डेकोरेटेड हुई थी, और पीछे जो है ना वो सारी कार्स चल रही थी, एक्चुअली दो दो कार्स। को ही ढूंढता रहता है आवारा 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 दिल मेरा, मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता है। तो पीछे आपने सारे जो है ना वो खाने का मेन्यू देख लिया, और ये पता नहीं मुझे याद नहीं है वलीमे का था या शादी का, आई थिंक मुझे याद नहीं है, लेकिन ये एक ही वीडियो आई थी क्योंकि मैंने वीडियोस जो है ना वो मंगवाई हैं किसी से कि मुझे वीडियो सेंड करें, क्योंकि मेरी मामा की जो मोबाइल में थी ना वो हर जो है ना वो सारी जो है ना डिलीट हो गई थी क्योंकि मोबाइल जो है ना वो गीला हो गया था, और सारी मेमोरी आपको पता है वैसे ही चल जाती है। और फिर जो है ना ये मूवी पूरी बन गई है, तो वहाँ से जब आनी देख रही थी तो वहाँ से जो है ना सारी उन्होंने थोड़ी थोड़ी कैप्ट करके भेजी, और मैंने मेक श्योर किया कि मैं किसी का भी फेस नहीं दिखाऊं चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो मैंने इस वजह से जो मेरी मामा ने ड्रेसेस वेयर किए थे और बाकी सब ने जो ड्रेसेस वेयर किए थे तो मैंने उनके भी नहीं दिखाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी का भी जो है ना वो फेस आए, क्योंकि पिक्चर्स इस तरह बनाई गई हैं कि सब एक साथ इकट्ठे मिलकर खड़े हैं और सबके फेस जो है ना एक साथ ब्लर करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक झलक में जो है ना कुछ दिख जाए तो आप ब्लर करके निकलवा सकते हैं, मीन्स एक डेंजरस काम है ये, बहुत खौफनाक काम है भाई। मैं इस तरह नहीं करूँगी, मैं किसी की पिक्चर भी नहीं डालना चाहती। और यहाँ पर जो है ना व्यू आप देखें पूरे विलेज का, बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर जो है ना बस मैंने इतना ही सी थी क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बना सकी, और ज़्यादा मेरे पास थी भी नहीं, और मैं ज़्यादा जो थी ना वो सबकी फेस आ रहे थे और मैं किसी का भी फेस नहीं, जैसे मैंने आपको कहा मैं फेस नहीं शो करवाना चाहती, सो डैट्स व्हाई मैंने फेस नहीं शो करवाया। तो वीडियो पसंद आई तो आप आज जो है ना लाइक ज़रूर करिए, और चैनल को आज तो यार ज़रूर सब्सक्राइब करो, और मुझे जो है ना वो 1000 जो है ना लाइक ज़रूर करिए, 1000 सब्सक्राइबर्स। सो सबसे पहले लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें इतने प्यारे व्यू को देखने के बाद, और इतनी अमेजिंग जो है ना वीडियो मैंने बनाई है। और लेकिन ये वीडियो बहुत मुश्किल से बनी है, इसमें जितनी मुझे एडिटिंग में टाइम लगा ना, अभी मैं ये कुछ चौथी या पांचवी मरतबा इसमें वॉइस डाल रही होंगी, और लास्ट में आप जो है ना वो मेरी आनी ने जो पहना था ड्रेस मेहंदी का, तो वो था। आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।